प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजभाषा हिंदी के 75 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने इस अवसर पर एक वीडियो साझा करते हुए भाषा की महत्ता पर प्रकाश डाला। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है, वो जड़ नहीं हो सकती। जैसे जीवन में चेतना होती है, वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है मुझे अंदाज है। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, ये हमें प्रेरणा देता है। मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़ें और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करें, उस पर अगर हम बल देंगे, हमारी भाषा और ताकतवर बनती जाएगी और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं।